यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो जींद का चुनावी मैदान बीजेपी ने जीत लिया और इन सब पर शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनाते हैं। इसमें कांग्रेस ने जो अपना दाव खेला, श्री राहुल गांधी के साथ बैठने वाला श्री रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के प्रवक्ता श्री रणदीप सुरजेवाला हरियाणा की भाषा में कहें तो राहुल जी की मूंछ का बाढ़ है। उनको उन्होंने जींद के चुनाव में उम्मीदवार बनाया। ये जींद के लोगों के साथ एक धोखा था। जींद के पड़ोस में कैथल है, कैथल का एक ऑलरेडी विधायक है, उसको जींद में फिर से विधायक के लिए खड़ा करना। मैंने उस समय कहा था, हुड्डा जी आप हमारा धन्यवाद करिए, आपका कांटा हमने निकाल दिया है। ये केवल एक विधानसभा का चुनाव परिणाम नहीं, ये आने वाले राजनीति का संकेत है। 36 बिरादरी ने नरेंद्र मोदी को गरीब का हितैषी, किसान का हितैषी, मजदूर का हितैषी, हरिजन बैकवर्ड का हितैषी, अगड़े पिछड़े सबका नेता, काम करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने स्वीकार किया है। और ये 2019 में नरेंद्र मोदी देश के एक बार प्रधानमंत्री फिर बनेंगे।